A very good afternoon to one and all present here. I would like to welcome you all to the second session of today's event that is on We hope you enjoyed the first session as well as the lunch. So now, I would like to give a brief introduction of our first honorable speaker, Vaidya Jayant Deopujari sir who is the chairman of national commission for indian system of medicine ministry of ayush new delhi he has done bams from nagpur university phd in ayurveda from pune university and doctor of literature from kv uh, sorry uh, kavi kulaguru kalidas sanskrit university he had headed many committees in the ministry of ayush and has authored eight books such as madhumeha parichay mathematics in ayurveda charak chikitsa sarod Vyakya, bharatiya Ahara shastra gandha shastra etc besides he has published 29 research papers and has over 37 years of clinical experience. We are highly thankful for your presence, sir. I would request you to come to the podium to pour your light of knowledge upon us. Please, sir. So, namaskar and welcome to everybody for this post lunch session. And uh, I hope uh, I will be successful in avoiding your nap. <laughs> See, here the session is regarding perfumery, and I am talking about uh, introduction to Gandha Shastra, that is Indian art and science of cosmetology and perfumery both because in indian tradition uh, this cosmetology and perfumery they both go together <clears throat> like in pakashastra nutrition and dietetics and cookery everything goes together it is like that same thing here so uh, this is a brief introduction because this is a very vast subject and uh, i am not going to talk only about

इनका कुछ ना कुछ वेदों के साथ संबंध रहता है जैसे आयुर्वेद का संबंध जो है वो अथर्ववेद के साथ है या अन्य कोई भी शास्त्र रहता है उसका कोई तो भी एक ये रहता है उसका कुछ तो भी एक फिलोसॉफिकल बेसिस रहता है उसको फिलोसॉफी शब्द गलत है यहाँ पे दर्शन शब्द बराबर है दर्शन के साथ उसका संबंध रहता है जैसा आयुर्वेद का आधार जो है वो सांख्य और उसके साथ साथ कुछ वैशेषिक भी रहता है बाद में उसका कोई ना कोई देवता रहती है जैसे आयुर्वेद के बारे में आप जानते हो कि धनवंतरी उसकी देवता है जैसे वैसे ही शास्त्र की जो देवता है वो यक्ष है इसको आप ध्यान में रखिए और आ, आ, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो पहले से निश्चित किए रहते हैं मैं दो उदाहरण देता हूँ कि जैसे आयुर्वेद का है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम यानी जो बीमार नहीं है उसको बीमार गिरने न देना और जो बीमार कर गिर गया है उसको ठीक करना वैसे ही योग का भी है योगश्चित वृत्ति निरोधा तो ये उसका प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव रहता है और ये सब जो है वो पिक्यूलैरिटीज ऑफ इंडियन शास्त्र मैं बता रहा हूँ और होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच uh, रहता है उसका और रिलायंस ऑन ऑल एविडेंस एज नेसेसरी बट ऑल्सो स्ट्रेस ऑन प्रत्यक्ष प्रमाण जो दिखता है उसके ऊपर ज्यादा विश्वास होता है उसके साथ युक्ति का भी उपयोग होता है अनुमान प्रमाण का भी उपयोग होता है बाकी अन्य प्रमाणों का भी ऐसा मेरा अनुभव है और ऐसा मेरा अध्ययन है अभी जब हम आयुर्वेद का विचार करते हैं न सिर्फ आयुर्वेद का सभी शास्त्रों का इनके समकालीन शास्त्र होते हैं उसको कहते हैं आजकल की भाषा में कंटेम्पोरिरी साइंसेस कि जैसे आ, कोई भी शास्त्र रहता है ऐसे इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं होता अब उसके साथ वाले जो रहते हैं उसको सपोर्ट करते रहते हैं इसलिए वो जो शास्त्र है वो अपने आप सब मिलके ग्रो होते रहते हैं कि जैसे आ, आज का जो मेडिसिन है जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो कुछ अकेला ऊपर नहीं आ सकता उसके साथ फिजिक्स है उसके साथ केमिस्ट्री है उसके साथ और चीज़ें जुड़ी हुई रहती है बायोटेक्नोलॉजी है आ, आ, ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है और बाकी सब चीजें कुल मिला के ऊपर आता है वो ए सिंगल शास्त्र कुड नॉट कम अप तो ये जो चीज है ये सेम इज द केस विद आयुर्वेद कि आयुर्वेद जो ऊपर आया है वो अकेला नहीं आया है उसके साथ में इसी टाइप के सब कॉन्टेम्प्रेरी शास्त्र समकालीन शास्त्र रहे इसलिए सुश्रुत ने बड़ा सुंदर आ, एक श्लोक कहा है उन्होंने बोला है कि एक शास्त्र का अध्ययन करके फायदा नहीं है आपको यदि अच्छा वैद्य बनना है तो उसको उन्होंने परतंत्रावलोकन ऐसा शब्द वापरा है आजू बाजू के जो कंटेम्पररी साइंसेस है उसको उसको भी देखना चाहिए एकम शास्त्र मधियानो नविस्त्र निश्चय है तस्मात बहुश्रुतम ने चिकित्सक अब उसमें बहुश्रुत शब्द वापरा है बहुश्रुत ने जिसको जिसने बहुत कुछ सुना है तो इन सब शास्त्रों के बारे में भी आपको सुनना चाहिए ऐसी उसमें अपेक्षा होती है नेक्स्ट अभी आयुर्वेद के कौन से कौन से कॉन्टेम्पररी शास्त्र है या समकालीन शास्त्र है तो हाउ कैन वी थिंक अभी हम लोगों ने देखा था पहले के प्रेजेंटेशन में हाउ कैन वी थिंक ऑफ ए शास्त्र विदाउट केमिस्ट्री मीन्स कॉन्टेम्पररी केमिस्ट्री नॉट मॉडर्न केमिस्ट्री एंड How it could be a चाहिए, उसके लिए वो पानी कैसे खींचता है उसका ज्ञान चाहिए उसके बाकी सब सब चीजों का ज्ञान चाहिए इसलिए वृक्ष आयुर्वेद अलग है वृक्ष आयुर्वेद अलग है जिसके, जिसका अभी मैं जिक्र नहीं करूंगा अभी हाउ देयर कुड़ बी कु ग्रोथ ऑफ यंत्र एंड शस्त्र विदाउट हेल्प ऑफ मेटालजी एंड और कॉन्टेम्पररी टेक्नोलॉजी अभी uh, जो सर्जन आए थे शुरू में उन्होंने बताया कि सौ so, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अब किसी चीज को यदि आपको इंसिजन लेना है ह्यूमन बॉडी पर वो कैसे संभव है रॉ इंस्ट्रूमेंट से सो दैट फाइनल रजन वो आए वैद्य का काम नहीं है वैद्य तो उसको काटना जानता है वो बनाने का आज भी वैसा ही है सर ये सर्जन का काम नहीं है स्काल्पेल बनाना बनानापिल बनाना तो और किसी इंडस्ट्री का काम है वो बनाते हैं इसलिए ये वापरते हैं एंड फ्रॉम वेयर आयुर्वेदा गॉट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लिनिकल अब वो वो आहार के बारे में भी जानकारी देगा ऐसे थोड़ी होता है उस जमाने का जो पाक शास्त्र था जिसमें ये सभी आता था डायटेटिक्स न्यूट्रिशन और बाकी सब चीजें उसमें से इन्होंने लिया और वो क्लिनिकल डायटेटिक्स के रूप में फिर इस द, इस बीमारी में ये खाओ ये मत खाओ इस चीजों को ऐसा पकाओ ये इससे पानी शुद्ध होता है इससे अशुद्ध होता है वगैरह बाकी सब जो चीजें हैं इट कम्स फ्रॉम दैट और बीच में मैंने ढूंढने की कोशिश की मित्रों की पाकशास्त्र के अभी आज के तारीख में कितने मैन भारत में उपलब्ध है तो एक सज्जन है श्रीकांत बहुलकर इंडोलॉजिस्ट है उन्होंने इसकी बिब्लियोग्राफी बना के लिखी अठारह सौ नंबर उन्होंने लिख के रखे हैं एटीन हंड्रेड शास्त्र मैं आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा हूँ सो शास्त्र इज वन अमंग देम एंड हियर इज़ द स्टार्टिंग अभी ये गंध शास्त्र में मैं क्यों गया इसका ये लॉजिक है मैं तो आयुर्वेद का विद्यार्थी हूं मेरे मुझे मालूम भी नहीं था गंध शास्त्र नाम को कोई शास्त्र रहता है सो so, वो चरक संहिता पढ़ते पढ़ते मैं इस यहां पे अटक गया यानी बहुत जगह अटका हूं यहाँ पर भी अटक गया तो चूर्ण स्वरस पुष्पाणाम पत्रकल को मनीषी भी अभी इसके ऊपर ये चक्रपाणी नाम का एक कमेंटेटर है ये जो अपने पुराने जो जितने भी ग्रंथ है उसको कमेंटेटर भी होते हैं वो कमेंटेटर ने ये बताया कि ये जो पत्रकल का जो है वो जिसमें यानी जिस गंध शास्त्र के संदर्भ से इसको पढ़ा जाना चाहिए ऐसा उसने अपने संस्कृत कॉमेंट्री में लिखा वो बड़े बहुत बड़ी है वहां से पहली बार मैंने शास्त्र इस शब्द को आ, देखा नेक्स्ट अब ये जो मैंने बताया जैसे कि वो जो टर्म है पत्रकल कल कम भी वो गंध शास्त्र से आया है तो ऐसे गंध शास्त्र की और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आती है तो आ, इसको जब मैं पढ़ते गया उसकी बहुत बड़ी स्टोरी है अभी समय अपने पास कम है क्योंकि मुझे खत्म भी करना है मेरे अकेले का ही नहीं है बाद वाले भी वक्ता है तो ये गंदे शास्त्र का अध्ययन करते समय आ, मैंने किसी कारण से गंधसार और गंधवाद नाम के दो ग्रंथ मुझे मिले और वो बड़ौदा के इंस्टीट्यूट में मिले मिले उनको और अन्य फोर्टी नाइन ग्रंथों में से मैंने इनको अलग अलग संस्कृत ग्रंथों में से इसके क्रॉस रेफरेंसेस ढूंढे तो मेरे को ये चीज कॉमन क्योंकि जब कॉस्मेटिक्स है परफ्यूमरी है तो ब्यूटिशियन होनी चाहिए तो फिर ब्यूटिशियन को क्या कहते थे ब्यूटिशियन को कहते थे अब जो 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 ट्रेडर रहता था, जो, जो सेंट था, सेंट बिकता बे, बेचता था उसको कहते हैं गांधिक अब जो एक्सपर्ट रहता था गंध शास्त्र का उसको कहते थे गंधविद इस शास्त्र को जाने वाला विद यानी जानने वाला तो ये गंध को जानने वाला वो गंधविद ये इसमें आया है बाद में रचना और परिस्पंद ये पर्सनल डेकोरेशन जो रहता है जिसको हम मेकअप बोलते हैं आज के भाषा में उसको उस जमाने में रचना या परिस्पंद कहा जाता था अब ये परिकर्म कहता था कहते हैं कि ये करने के पहले जो बॉडी का क्लीनिंग करते हैं ना उसको परिकर्म नाम है ये सब आज भी होता है यानी जो 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 ब्यूटिशियन के पास जाके आते हैं उनको मालूम है ये सब आज भी होता है नया कुछ नहीं है इसमें और आ, मार्जना यानी ये मा, वाइपिंग विद टॉबल जो रहता है ना वो साफ करते हैं बॉडी को फेस को वो बाकी स्क्रबिंग वगैरह के पहले वो सब जो है उसको मार्जना ऐसा शब्द है और गात्रानुलेपनी या वर्ती अब ये बॉडी को पेंट करने के लिए जो स्टिक्स होती है जो उस जमाने में भी, भी होती थी आज ये सिर्फ आइब्रोस के लिए स्टिक्स नहीं है उस जमाने में भी, भी होती थी तो वो जो है उसको गात्रानु लेपनी या या वर्ती ऐसा शब्द उसमें आया है तो मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि जब ये शास्त्र है तो आज जितनी अपने को आज के कॉस्मेटोलॉजी में जितनी टर्मिनोलॉजीज मिलती है वो करीब करीब सभी गंध शास्त्र में भी मिलती है नेक्स्ट अभी ये उपधान यानी पिलो फॉर रेस्टिंग हेड ड्यूरिंग मेकअप आज भी हम लोग ऐसे वो करके बैठते हैं सीट पे उसको पुराने जमाने में पिलो रहता था इसलिए उसको उपधान कहा गया है पीठ और आसन वो वुडन सीट रहती थी, जिसके ऊपर ये सब काम होते थे उसका भी संदर्भ है दर्पण यानी मिरर रहा करता था दे, बाद में प्रसादनी या कंकतिका इसको ये अपना जो कोम्ब है कंगवा कंगी उसको प्रसादनी या अः कंकतिका कहते थे व्याहना या तलवृंत इसको बोलते थे वो हैंड हेल्ड फैन क्योंकि वो उसके समय वो सुखाना पड़ता है कई बार लेपों को या ये सब जो चीजें हैं वो उस समय आ, होता था और इतना ही नहीं अब रानियां भी रहती थी उसमें राजकुमारियां भी रहती थी तो वो तो ये सब वैनिटी बॉक्स ले जाना है उनको किसी भी हालत में उनकी भी शादियां होती थी वो भी प्रवास करते थे सो सामुग्गक या संपुटक ये उन्होंने वैनिटी बॉक्स के लिए टर्म वापरी है तो मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि दिस वॉज ए फुल साइंस और जितनी भी इसलिए मैंने वहीं से शुरुआत की कि यदि ये, ये गंध शास्त्र है इसमें कॉस्मेटोलॉजी है तो फिर ये सब होना चाहिए सिर्फ संस्कृत श्लोक पढ़ के कुछ नहीं होगा सॉरी मैडम नेक्स्ट अब ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अब इसका जो उल्लेख है जब किसी ने किया था जो अपनी शुरू में जिनका की नोट एड्रेस हुआ था वो मैडम ने ये सब बताया था कि भावना, पाचन बोधन वेदन धूपन और वासन ये नाम की पांच प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होती है ये सब केमिकल प्रोसेसेस है और इन केमिकल प्रोसेसेस को देखकर ही आगे ये जो इसका जो प्रिपरेशन रहता है परफ्यूम का या फिर कॉस्मेटिक्स uh, का वो बनाया जाता है इसका बहुत बड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन है लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं होगा यहाँ पर सिर्फ सर को इंटरेस्ट हो सकता है अब मेरा पीपीटी उन्हीं के पास है मैं उनको डिटेल्स भेज दूंगी लेकिन जैसे वेदन है वेदन कहते हैं कि जो पेनिट्रेशन uh, के लिए जो लिक्विड जब मिक्स होते हैं ना उसके उन्होंने नियम बताए हैं ये सभी के नियम है इसमें इसके भी नियम बताए उसको उन्होंने वेदन शब्द वापरा है तो वो बेसिकली केमिकल प्रोसेस है सर तो इसलिए इस प्रकार के जो शब्द है लेकिन बेसिकली आप यदि केमिकल प्रोसेसेस को उसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये पांच प्रोसेसेस मेनली शास्त्र में वापसी जाती है नेक्स्ट अब प्रश्न ये आता है कि ये ब्यूटी है ब्यूटिशियन है तो फिर सुंदरता की व्याख्या भी होनी चाहिए सुंदर किसको कहते हैं उसके कुछ पैरामीटर्स भी होने चाहिए तो फिर मैंने आयुर्वेद के वगैरह ग्रंथ दिखे वो सब हेल्थ के हिसाब से चलते हैं दे गो लाइक हेल्थ अब आयुर्वेद के और एक बात मैं बता देता हूँ यहाँ जो आयुर्वेद वाले हैं उनको मालूम ही होगा वैसे कि आयुर्वेद में कहीं पर भी आदमी का वजन नहीं किया है दे नेवर वेड ए पर्सन छोटे बच्चे को भी नहीं किया बूढ़े को भी नहीं किया बट दे टॉक्ट अबाउट प्रपोर्शन उसको बोलते हैं अंगुली प्रमाण और ये जो अंगुली प्रमाण है सिमिलर अंगुली प्रमाण ये मूर्ति शास्त्र में भी वापरा जाता है आप इसको को देखेंगे तो उसमें वो भी रेफरेंस आपको मिलते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर जो प्रपोर्शन है वो कहे गए हैं जिस पर से हम लोग पहचानते वो हमारे दिमाग में इतना फिट है कि जब मंदिर में जाते और मूर्ति देखते हैं कि हमको पता चलता है कि ये विष्णु की मूर्ति है ये यक्ष की है ये किन्नर की है ये नारद जी की है बिकॉज वो इतने सालों से हमारे बैक ऑफ आवर माइंड पे पक्का है कि हमको बताना नहीं पड़ता किसी मूर्ति के नीचे ये नहीं लिखा रहता कि ये जो है ये शिव की मूर्ति है वो समझ ही जाता है ये ये राम की मूर्ति है ये समझ ही जाता है बिकॉज इट इज देयर इन द बैक ऑफ माइंड क्योंकि उसके प्रपोर्शन हजारों सालों से निश्चित है और वो वैसे ही है जब से मंदिर बांधना शुरू हो गए और उसी वही करीब करीब नियम उन्होंने मनुष्य के स्वास्थ्य से जोड़े और वो जो बॉडी बॉडी प्रपोर्शन है वो आयुर्वेद में वर्णित की है इसलिए वजन का कहीं पर वर्णन आयुर्वेद में नहीं है सो देर आर एट पिलर्स ऑफ ब्यूटी यूथफुलनेस सीमिट्री एवरेजनेस सेक्स हॉर्मोन मार्कर्स बॉडी ऑर्डर उसकी मोशन स्किन कॉम्प्लेक्शन और हेयर टेक्सचर ये आज भी माने जाते हैं ये आज माने जाते हैं इसलिए उसमें वो जो सेक्स हार्मोन मार्कर्स आए हैं वो आज के रेफरेंस में आया है और उसी को मैंने कंपेयर किया था कि जो जानकारी है हमारे पास वो इस विषय में क्या क्या है नेक्स्ट अब ये जो पैरामीटर्स है वो मैंने कालिदास के जो नाटक है जिन्होंने पढ़े हो उन्होंने उसके जो हीरो हीरोइन है वो कैसे दिखते थे इसके बारे में वर्णन किया है और वो जो वर्णन है वो वो ही हमारे देश में जो जिसको कहते हैं पैरामीटर्स ब्यूटी के पैरामीटर्स है उसके हिसाब से दिए हैं ये तो आ, Uh, स्त्रियों के लिए है, लेकिन मुझे रघुवंशम का उदाहरण याद है कि रघुवंशम में राजा रघु कैसे दिखता था ऐसे उसने वर्णन किया तो बोले साल वृक्ष के समान दिखता था तो मुझे समझ नहीं रहा था कि साल वृक्ष की विशेषता क्या है तो मैं बांधवगढ़ गया क्योंकि बांधवगढ़ में साल वृक्ष का ही अरण्य है तो वहां सब वृक्ष देखने के बाद मुझे एक स्पेशलिटी ध्यान में आई कि वो सब जो है वो साल वृक्ष का जो स्टेम रहता है वो ऐसे 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 बढ़ते जाता है और बाद में उसके ब्रांचेस ऊपर निकलते हैं तो इट इज लाइक थिंग तो राजा रघु कैसा दिखता था उसका ट्रेंगुलर शिप था तो मेरे ध्यान में आया कि आज जितने भी मैन है ही मैन शी मैन इट मैन जितने भी मैन है आयरन मैन वगैरह सब ट्रैंगुलर है मेरे मेरे बचपन में वो एक फैंटम रहा करता था आपने पढ़ा है कि नहीं मालूम नहीं जो बड़े हैं उन्होंने पढ़ा होगा फैंटम और वो लोथार और वो मैंड्रेक वगेरे सब रहते थे तो अभी तो नहीं है वो अब नए नए आ गए तो ये भी सब ट्राइंगुलर है आप देखिए कि जब आदमी है आदमी यानी मेल उसकी ब्यूटी का ये पैरामीटर है कि वो वो के बाद में वो ट्राइंगुलर दिखना चाहिए वही वर्णन उसमें किया है राजा रघु का दिलीप का वर्णन करते समय उन्होंने बोला है कि वृक्ष कंधा यानी उसके कंधे जो है वो बैल के समान है और कपाटवक्षस कपाटवक्षस यानी सिक्स पैक आप देखिए पुराने जमाने के अभी ये ये देखिए ये जो लगे हैं ना दिस इज कपाटा वक्सेस ये ये सिक्स पैक है एक्चुअली आप उसका वर्णन यदि देखेंगे तो वैसे ही पैरामीटर्स है जो पुराने जमाने में थे इसलिए ये सब मैंने लिए है शशांक वक्त मून लाइक फेक्स तनुगाष्ट्र गात्री इसमें हिप वेस्ट रेशो नाम की एक टेक्निकल टर्म है कि हिप वेस्ट रेशो किसका कितना होना चाहिए वो सेक्स हार्मोन्स का जो सिक्रिशन रहता है उसके आधार पर डिपेंड होता है इसलिए वो स्त्रियों में और पुरुषों में अलग अलग होता है उसका भी प्रपोर्शन उस, उसका भी वर्णन जो है वो उसने दिया हुआ है नेक्स्ट अभी यही है वो ब्यूटी पैरामीटर्स है नेक्स्ट अभी आ, ये जो संहिता में इसके बारे में जो पैरामीटर्स दिए गए हैं वो भी मैंने लिए क्योंकि ये बहुत शॉर्ट में है तो इसमें मैं बहुत ज्यादा क्योंकि हरेक को पढ़ते जाऊंगा तो बहुत लंबा होते जाएगा नेक्स्ट अभी ये जो गंधशास्त्र की जो आज की भाषा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें उन्होंने गंधसार नाम का जो ग्रंथ है गंगाधर का उसमें एरोमेटिक इंग्रेडिएंट्स जो है वो और उसको कॉस्मेटिक्स में और परफ्यूम्स में किस प्रकार वापरने चाहिए और कौन से वापरने चाहिए इसका बहुत बड़ा लंबा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो उसमें उन्होंने बताया है कि पत्ते हैं फूल है फल है बार्क है उसका वूट्स है रेजिन से रूट्स है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है इन सब इसका क्लासिफिकेशन करके रखा है ये गंगाधर का काम है और गंधसार नाम का जो ग्रंथ है बहुत बड़ा ग्रंथ है उसमें उसने इसका क्लासिफिकेशन करके रखा है इस टाइप का क्लासिफिकेशन आपको आयुर्वेद के ग्रंथों में भी देखने को मिलेगा और ये सब जो है वो कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स बनाने के लिए ये जनरल क्लासिफिकेशन के रूप में आगे इस्तेमाल होता है क्योंकि इसी के आधार पर इसके निघंटू भी बने हैं निघंटू का मतलब होता है कि वो जो एकत्रित रूप से द्रव्यों के द्रव्य या प्लांट्स का जो डिस्क्रिप्शन एकत्रित रूप से लिखा जाता है उसको आयुर्वेद की भाषा में निघंटू कहा जाता है इसके भी निघंटू लिखे गए हैं नेक्स्ट अभी ये एक उसने बताया है <laughs> इसका मैंने अर्थ जानबूझकर लिखा नहीं क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था आयुर्वेद में पित्त कफ है और आयुर्वेद में हर एक आदमी की एक प्रकृति होती है यानी एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन होती है ऐसा कहा जाता है वो दोषों के आधार पर है आजकल ये आई जी आई भी जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी उन्होंने इस पर बहुत काम करके जीनोमिक्स नाम की एक अलग ब्रांच उन्होंने खोल के रखी है आप उसको गूगल कर सकते हैं उसके बारे में उन्होंने उसका कोरिलेशन लगाया है जीनॉमिक्स और इसका अब ये गंधचार ये गंगाधर क्या कहता है कि रसवीरे विपाक आदि शास्त्रेभ्य सम्रबुद्य गंध आपको परफ्यूम जो वापरने, वापरने हैं ये पहले वैद्य के पास जाके आपको आपकी प्रकृति कौन सी है इसकी जानकारी लेकर ही उसके अनुसार वापरने चाहिए यानी आजकल हम बाजार से कुछ भी खरीद के लाते हैं और वो जो परफ्यूम्स वापरते हैं वो गंध शास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं है ये ये संदर्भ आयुर्वेद का नहीं है मैं बता देना चाहता हूँ तो ये संदर्भ जो है गंध शा, गंध शास्त्र का है और वो कहते हैं कि प्राणी नाम प्रकृति ज्ञातवा जो प्राणी यानी मनुष्य प्राणी है उसकी प्रकृति के का वात पित्त कफ के अनुसार ज्ञान करके फिर उसके अनुसार जो परफ्यूम है उसका चॉइस करना चाहिए ऐसा उन्होंने कहा है नेक्स्ट अब उन्होंने उन्होंने परफ्यूम की भी बात कही है जो एक में के विरोध है सो डू नॉट यूज परफ्यूम्स एंटेगोनिस्ट टू ईच अदर इन वन डेली लाइफ सच एज विथ रिगार्ड टू बेड्स सीट्स एंड क्लोथ्स ए वाइस पर्सन शुड अवॉइड द एक्सेसिव यूज ऑफ परफ्यूम्स एंड परफ्यूम्ड हेयर ऑयल इन हीज डे टू डे लाइफ देखिए अति योग जिसको आयुर्वेद में कहते हैं किसी भी चीज का बहुत अत्यधिक उपयोग करना उसको आयुर्वेद की परिभाषा में अति योग कहता है वो भी अवॉइड करने के लिए कहा है बाकी सब कहानी बता दी है उसने कि ये बहुत अच्छा है और फलाना ये बता देता है वो कि इसका एक्सेसिव उपयोग मत कीजिए नेक्स्ट अभी ये जो है ये शारंगधर पद्धति का श्लोक है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है उसने ये इंटरनल परफ्यूम की कंसेप्ट दी है परफ्यूम तो हमारे दिमाग में यही है बाहर से लगाने का उसने एक फार्मूला दिया है कि ये जो पानी है इसके साथ अपना सैंडल और कार्डमोम और उशीर यानी जिसको ये बोलते हैं और तगर इनको मिलाकर यदि आप रोज़ पानी पीते हैं तो आपके शरीर से सुगंध आने लगेगा दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ इंटरनल परफ्यूम अभी अभी ये परफ्यूमरी का लेटेस्ट है अभी आप देखेंगे मैं उसका शब्द भूल गया अंग्रेजी वो अभी इस पर प्रयास कर रहे हैं कि ये ऐसा होने से वो लगाएगा नहीं ऊपर से वो तो वो अंदर से ऐसे कर वो जो उसका जो मूल जो उसका गंध है उस शरीर का वो आते जाएगा नेक्स्ट अब ये मुझे बहुत बार लगता था कि ये रामायण में मैंने रेफरेंस देखा था कि कई कई को गुस्सा आया और वो क्रोधागार में गई अब हमको भी गुस्सा आता है हमारे <laughs> घर में भी गुस्सा आता है लेकिन ये है को? यानी अलग से क्रोधागार क्यों दैट वॉज द क्वेश्चन इन माई माइंड एंड आई गॉट द आंसर इन गंध शास्त्र उसमें उन्होंने कोप छद धूप बताया है एक धूप बताया है एक सेंटेड धूप है जिसके कारण आपका गुस्सा शांत होता है तो मैंने मेरे मिसेस को बोला ये तो दिन रात जलाना चाहिए ये <laughs> लेकिन शायद दशरथ राजा को इसकी जानकारी नहीं होगी और महल भी बहुत बड़ा होगा इसलिए उसने रूम बनाया तो इसलिए वो क्रोधागार में जलाने के लिए ये कोपच्छद धूप का और एंगर लीड धूप का जो वर्णन है वो गंधसार में आया उसमें रामायण का रेफरेंस नहीं रामायण का रेफरेंस मैंने जोड़ा हुआ है नेक्स्ट अब ये उसमें उन्होंने हमारे यहाँ मैंने बताया बड़ा बड़ा होलिस्टिक विचार होता है तो उन्होंने ये जो आ, तीन प्रकार बताए उसके एक शत्रु रहते हैं परफ्यूम एक में के कुछ मित्र रहते हैं और कुछ उदासीन रहते हैं यानी न्यूट्रल रहते हैं इसका भी वर्णन उन्होंने किया है इसका दरअसल जो कुछ भी आपका केमिकली साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए ये शत्रु मित्र और उदासीन के जो रूल्स दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं और वो क्या परिणाम करते हैं वो तो लिखा है लेकिन क्यों दिए गए हैं इसका भी अध्ययन हम लोगों ने करना चाहिए उसके बारे में भी श्लोक है और उसमें उन्होंने किन चीजों को यानी आखिर वनस्पति है वो यदि उसको कीड़ा लग जाता है वो खराब हो जाता है तो उसका क्या होगा वो कैसे शत्रु हो गया बाकी चीजों का इसका भी उन्होंने इसमें वर्णन किया है तो Uh, uh, वो वो जो नीचे का जो वर्णन है नीचे का uh, चंद्र जलम चंद्र मदर uh, वो जो श्लोक है ना वो सब उसके बारे में है एंड uh, uh, वो जो चीज है उसको बाकी चीजों के बाकी इंग्रेडिएंट के लिए एनिमी माना जाएगा ऐसा एक नियम उसने बताया है नेक्स्ट अब वैसे ही फ्रेंड परफ्यूम्स है कि ये जितने भी बताए गए हैं वो एक में के फ्रेंड है ऐसा उन्होंने बताया है तो इससे बने हुए जितने भी परफ्यूम्स है आप साथ में वापर सकते हो नेक्स्ट अब ये न्यूट्रल है जैसे मैंने बताया पहले श्लोक में शत्रु मित्र और उदासीन उदासीन ये ने मतलब होता है न्यूट्रल इसलिए उसका भी इसमें उल्लेख आया है नेक्स्ट अब इसका प्रपोरशन क्या होना चाहिए इसके बारे में भी इंस्ट्रक्शन है फिर जनरल रूल नहीं बताते हो जनरल रूल बताने से पहले उसके जो प्रपोर्शन है उसके बारे में भी वो जानकारी देते हैं वो प्रपोर्शन भी इसने बताया हुआ है नेक्स्ट अब इसमें और एक वो करते थे आज जैसे स्केयर सिटी है ना शायद उस जमाने में भी होती थी क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल कैसे बनती है उसकी प्रोसीजर बताई है ये बेसिकली केमिस्ट्री है पूरी सर और उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीजें कि आर्टिफिशियल प्रिपरेशन ऑफ सैंडलवुड सैंडलवुड तो जंगल से तोड़ के आना चाहिए लेकिन वो उन्होंने इसलिए बनाया है कि उससे आर्टिफिशियली वो जो चंदन का जो गंध है उससे प्रिपेयर होता है ऐसा इनका कहना है और इसका ही नहीं कस्तूरी का भी है अब कस्तूरी तो रेयर है आज भी रेयर थी पहले भी रेयर थी और इसलिए उसका भी उल्लेख इसमें है मैंने इसका लिया है कि आर्टिफिशियल प्रिपरेशन ऑफ सैंडलवुड यह भी जो है ये रसरत न आयुर्वेद के इसमें ही मिलता है ये नेक्स्ट अभी ये आर्टिफिशियल प्रिपरेशन बहुत सारे दिए दिए गए हैं उन्होंने वो आप देख सकते हैं इस पीपीटी को फिर से सर के पास ही रहेगा नेक्स्ट अब ये गंध शास्त्र में इंस्ट्रूमेंटेशन अभी ये बनाने हैं परफ्यूम्स या कॉस्मेटिक्स बनाने हैं पर्टिकुलरली ये जितने भी ये मोस्टली परफ्यूम से रिलेटेड है उन्होंने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स uh, लगेंगे उसको इसको ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये करीब करीब आयुर्वेद से संबंधित है कि जैसे डोला यंत्र है पाताला यंत्र है नलिका यंत्र है और खलव यंत्र है संपुट यंत्र है भूद यंत्र है धूप यंत्र है वगैरह एक आद दूसरा एडिशनल होगा लेकिन नॉर्मली जो चीजें आयुर्वेद में वापरी जाती है रथ शास्त्र में वही ये है लेकिन इसमें थोड़े थोड़े बदल है नाम वही रखे क्योंकि इनको तो परफ्यूम बनाना है उसमें तो दवाई बनाने की है ये बेसिक फर्क होने के कारण उसमें यह चीज उन्होंने अलग से बताई है नेक्स्ट अब ये सब उसके चित्र वगैरह हैं इंस्ट्रूमेंट्स के नेक्स्ट नेक्स्ट अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस अभी उन्होंने क्या किया कि विशेष रूप से यानी जो नियम अपने बृहत्संभिता में वापरा है वही नियम बाकी लोगों ने किया कि उन्होंने कहीं पर भी इसमें इतना मिला हो उसमें इतना मिलाओ और ये मिला के ये बनेगा ऐसा कहीं नहीं दिया है उन्होंने एक श्लोक दिया चार लाइन का उसमें बताया है कि ये जो सोलह जो द्रव्य का मतलब मेडिसिनल ये प्लांट्स जो है इनको इस प्रपोर्शन में आप एकत्रित कीजिए तो उससे इतने परफ्यूम बनेंगे अब ये चार लाइन में और वो भी नंबर कितना अठारह पहला जो कैलकुलेशन है वो अठारह का है तो मेरे जैसे अब जो बारहवीं पढ़ा हुआ व्यक्ति रहता है उसके मन में पहले शंका ही रहती है तो मेरे भी मन में शंका थी कि अठारह सौ बीस क्योंकि पूरी दुनिया में आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ मॉडर्न मैं मैंने उनको पूरा पूछा कि पूरे दुनिया में कितने टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स है तो बोले नॉट मोर देन वन थाउजेंड ये एक झटके में अठारह सौ बीस बता रहा है तो मन में शंका आ जाती आठ सौ बीस इसने ज्यादा कहाँ से लाया और वो नंबर वहां पे रुकता नहीं मैं आपको आगे बताऊंगा वो नंबर लाखों तक जाता है करोड़ों तक तो जाता है सिंपल परमिटेशन का यूज़ किया है फिर भी मन में शंका तो मेरे एक मित्र है वो नागपुर में जो एन है वहाँ के केमिकल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के एच है हमने जब काम किया तब वो एच थे नहीं तो इसलिए काम कर सके एक बार एच बन गया कि क्या करता मालूम नहीं तो उनके साथ मैंने उसमें से चौबीस जो परफ्यूम्स है वो बना के देखे और उनको बोला कि बनाऊंगा मैं रूल्स आपके लगाएंगे जो भी है और वो ठीक लगते हैं तो आप ठीक बोलिए नहीं लगते हैं तो नहीं बोलिए और उसके ऊपर हमारा पेपर भी उस समय एक पब्लिश हुआ था मेरे ख्याल से सन 2000 या 2002 में वो 20 साल पहले पब्लिश हुआ है क्योंकि ये मन की शंका जब तक जाती नहीं तब तक आगे का मन में शंका लेके आगे के काम तो हो नहीं सकते तो इसलिए आ, ये गणित का जो विचार है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में ये परफ्यूमर में किया है अब वो तो फोर बाय फोर का था एक मेरे को सार में सेवन बाय सेवन का वो मिला मैट्रिक्स मिला और उसमें भी जिसको हम अपूर्णांक बोलते हैं वो अपूर्णांक है है बाय फोर या इस इस टाइप के जो कंप्लीट नहीं है नंबर उसको तो उसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो और ही कॉम्प्लेक्स है फिर भी उन्होंने वो किया और प्रोडक्ट की संख्या आठ करोड़ सड़सठ लाख ऐसा कुछ तो भी आगे का नंबर है अब एक 7x7 के मैट्रिक्स में आठ करोड़ के ऊपर के प्रोडक्ट का वर्णन करना है ये कोई आसान बात नहीं क्योंकि उसको ये पक्का मालूम था कि इससे ये बनता है जो मैंने कंफर्म किया था क्योंकि मेरे मन में ये भी शंका थी कि ये तो चार बाय चार का दे दिया बनता कि नहीं बनता और उससे सेंट ही बनता कि नहीं बनता और दूसरा कुछ तो भी बनता होगा परफ्यूम ही बनता कि नहीं बनता तो अब जब 1820 का मैंने कंफर्म किया था इसका मतलब ए मेथोडोलॉजी कि इतनी बड़ी मात्रा में वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन या जो है वो मैथमेटिक्स के आधार पर करते थे दैट वाज द लेवल ऑफ मैथ ये बहुत परम्यूटेशन ये बहुत हाई मैथमेटिक्स है ऐसा नहीं माना जाता आज के भी मैथमेटिक्स में और उस जमाने भी की मैथमेटिक्स में लेकिन उसका उपयोग इतनी सुंदर रीति से करके उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर इतने छोटे श्लोकों में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है कि आज भी हम उतने प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते आठ करोड़ प्रोडक्ट बनाना इज वेरी डिफिकल्ट और ऐसे और दो चार ये नहीं मैं तो एक प्रोडक्ट एक टाइप के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ और बाकी परफ्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा है नेक्स्ट यही है वो ये गंधसार का है अब ये गंधसार का भी ऐसा है कि आ, उसने भी एक बार उसने पांच बाय पांच का किया है उसमें त्रेपन हजार एक सौ तीस प्रोडक्ट बताए एक जो सोलह इंग्रेडिएंट वाला है वो उतना ही है एक फोर्टी नाइन सेवन बाय सेवन का है वो देखो आठ करोड़ उनसठ लाख और पांच सौ चौरा ऐसे कुछ प्रोडक्ट है उसमें वो भी आ, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल सेंटेड सब्सटेंसेस 49 इंग्रेडिएंट्स विद स्पेसिफिक प्रोपोर्शन वो प्रोपोर्शन देने के बाद उसने कैलकुलेट करके रखा है इट इज नॉट सिंपल मैथमेटिक्स वो प्रोपोर्शन देने के बाद 174720 प्रोडक्ट बनते हैं उसके ये वो बताता है दिस इज द मैथमेटिकल बेसिस ऑफ गंध शास्त्र और आयुर्वेद का भी मेरा जितना अध्ययन है मेरा यही समझ में है कि आयुर्वेद इज नॉट ए बायोलॉजिकल साइंस इट इज ए मैथमेटिकल साइंस उसके ऊपर मेरी किताब भी है क्योंकि वो इतनी ज्यादा चीजें कैलकुलेट करते हैं और नंबरिंग कहा है उन्होंने कि आयुर्वेद में तो मेरे को मेडिकल बायोलॉजिकल साइंस बहुत कम दिखता है नेक्स्ट अभी आ, ये निगंटु की मैंने बात आ, कही थी उसकी रचना इस प्रकार है अभी यहाँ पर वो द्रव्य गुण वाले रहते तो उनको इसके तुरंत समझ में आ जाता नेक्स्ट ग्रुप्स बनाते हैं क्योंकि वो निघंटू में वो ग्रुप्स बनाते हैं वो ग्रुप्स बताए मैंने और वही है नेक्स्ट अभी आ, ये जो मैं बता रहा हूँ 1115 प्रिपरेशन ये मैंने गिने कॉस्मेटिक्स के अभी तक बात चल रही थी अपनी परफ्यूम्स की वो जो गणित बताया है उसका अभी मैं ये आपको गिनती करवा रहा हूँ कि कितने कॉस्मेटिक्स किस किस प्रकार के कॉस्मेटिक्स बनाए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लिपस्टिक वगैरह तो आम बात है हम जो आम पीठ डिओडरेंट वो फुस फुस आप लोग भी वापरते होंगे उस जमाने में भी, भी थे अब वो इस फॉर्म में नहीं थे लेकिन उसको बोलते थे कक्षवासाह कक्ष कक्षवासा, का कक्षवासा मतलब होता है आम तो उस जमाने में भी वो काम होता था और इस प्रकार से मैंने कुल मिलाकर ये ग्यारह प्रिपरेशन जो है वो मेरे को दिखे एक चीज मेरे को नहीं दिखी वो है ना शेविंग क्रीम मैंने बहुत ढूंढा कि उस वो शेविंग क्रीम के लिए क्या इस्तेमाल करते थे फिर मेरे को एक इसने बताया कि एक मक्खन लगाना नाम का एक वाक प्रचार है मक्खन लगाना किसी को भी मक्खन लगाना तो उस जमाने में जो राजा की दाढ़ी करता था वो उसको मक्खन लगाता था और दाढ़ी करता था बाकी तो सब था वस्त्र था सर के बाल भी निकाले जाते थे वो सब आप आप जानते हैं उसको लेकिन उस समय मक्खन लगाते थे इसलिए उसमें मेरे को शेविंग क्रीम नहीं मिला ये मैं आपको बिल्कुल क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा अब इतने सारे ढूंढे तो मैंने बोला शेविंग क्रीम कहा है <laughs> नहीं है वो मक्खन है एक्चुअली अः सो फेशियल uh, कॉस्मेटिक्स उसके नंबर दिए गए हैं कि वो कॉम्प्लेक्शन प्रोमोटर लिप कितने हैं तेल कितने हैं पिंपल और एक्ने केयर के कितने हैं डार्कनेस ब्लेअर के कितने हैं और कॉस्मेटिक्स फॉर लिप लिप्स सात प्रकार के वो जो लिपस्टिक्स uh, है वो सात प्रकार उसके बताए गए हैं नेक्स्ट अब ये बॉडी कॉस्मेटिक्स है कॉम्प्लेक्शन प्रमोटर कितने हैं बॉडी पाउडर्स कितनी है बाथ पाउडर्स कितनी है क्रैक फूट के लिए कितने हैं बॉडी ओडोरेंट्स कितने हैं बॉडी डिओडोरेंट्स कितने हैं और ये आरएमपी पी मैंने अभी बताया आपको पांच प्रकार है ये क्योर फॉर मोल्स है वगैरह वगैरह वो सब है उसमें आगे नेक्स्ट अभी ओरल हाइजीन का भी वो बहुत विचार करते थे तो माउथ ओडोरेंट बावन प्रकार के बताए हैं क्योंकि तो वो मुंह मुंह साफ रखना और दांत अच्छे रखना है इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता था इसलिए वो जो सौंदर्य के जो लक्षण है उसमें शुभ्र दंती ऐसा वर्ड आया है वो जो कालिदास है वो वो बार बार अपनी जो हीरोइंस है उसके नाटक में की उसमें ये शुभ्र दंती शब्द बहुत वापरता है तो इसका मतलब डेंटल हाइजीन पर बहुत ज्यादा ये था इसलिए ये माउथ डिओडोरेंट है स्टिक्स जो है वो दांत में से वो भी उसका भी वर्णन है क्या क्या नहीं है इसमें सब कुछ है नेक्स्ट अब ये हेयर कॉस्मेटिक्स तो बहुत बड़े बड़ी चीज है फ्रेग्रेंट हेयर वॉश भी है हेड बाथ के भी है और हेयर डाइज बताइए उसके सत्तावन लेप है और चौंतीस प्रकार के तेल है एक और दो नहीं है वो हेयर डाइज में और डेपिलिटेटर से बाद में एलोपेशिया के लिए हैं और सभी है एंटी डाइंड्रफ प्रिपरेशन से क्या नहीं है आज आज जितने भी दिखते सब है इसमें कोई नहीं है ऐसी चीज़ नहीं है नेक्स्ट अब ये मिसलेनियस कैटेगरीज है अब ये फ्रैगरेंट ऑयल फॉर लैम्प्स यानी ये, ये जो भी यदि इसमें आप बत्ती डाल के उसको जला दो तो जब तक वो दीप जलता है तब तक सुगंध जाता है आपको अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं तो इस प्रकार के भी प्रिपरेशन जो है वो आर्टिफिशियल सेंट्स के त्रियालीस प्रकार है इसेंटिक है और फ्रेग्रेंट विक्स है और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्होंने दी है ये मिसलेनियस कैटेगरी में इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं नेक्स्ट अब ये भी मिसलेनियस प्रोडक्ट्स है Uh, इसमें ना फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होता था सर कहीं जो उन्होंने परफ्यूम्स बनाए हैं और कॉस्मेटिक्स बनाए हैं दे यूज फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी फॉर दैट वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है नेक्स्ट अब ये हेयर स्टाइल कितने प्रकार की थी उसका ये बहुत क्लियर है नहीं लेकिन बहुत सारे प्रकार की सोलह सत्रह प्रकार की हेयर स्टाइल ही है तो इस, इसका ये तो ये यानी एक मंदिर में लिया गया है उसमें और मंदिर का वो फोटो निकाल कर लाया हो वो कैमरे से लिया है तो उसकी लाइक भी उतनी है वो कोई अच्छा आता इनके जैसा तो वो बहुत अच्छा निकालता नेक्स्ट अब ये लेडी विथ थे मिरर इसका स्कल्पचर है पुराने जमाने में मिरर था इसका एक यानी सिर्फ मैं नहीं बोलता हूँ या वो मेटलर्जी वाले ही नहीं बोलते हैं बाकी लोग भी बोलते हैं उसको और uh, मिरर यानी कांच की बात कर रहा हूँ इनके पास भी मिरर है लेकिन वो मेटल का है मेरे पास है वो मैं जब अमृता गया था तब मुझे दिया गया था वहाँ पर आई हैव दैट विथ मी सो इस प्रकार से ये जो शास्त्र है जिसमें कॉस्मेटिक्स और परफ्यूमरी दोनों चीजें आती है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है मैथमेटिक्स भी है उसमें ये आज के तारीख में जिसको आ, क्या कहते हैं ब्यूटी के पैरामीटर्स जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे बहुत सारी चीजें एक एक अंगलक्षण होरा शास्त्र नाम का एक शास्त्र है उसको भी मैंने इसमें रेफर किया तो उसमें वो आदमी के आदमी के शरीर के लक्षण देखकर उसका उसके बारे में प्रेडिक्शन किया जाता है तो मैंने उसके बारे में देखा कि इसके ऊपर किसी ने और कॉल्ड रिसर्च किया है क्या तो मुझे ये भी रिसर्च मिला कि आदमी के आदमी कैसा दिखता है उसके ऊपर उसका पेमेंट तय होता है ऐसा रिसर्च पेपर मिला मेरे को तो ये जो पैकेज मिलता है ना वो सिर्फ बुद्धि पे नहीं मिलता चेहरे पर भी मिलता है दैट इज वॉट दैट इज वॉट रिसर्च एंड दैट इज सेज सो इस टाइप से इसके बारे में जो मॉडर्न सोकॉल्ड रिसर्च है वो भी इसमें बहुत सारा मिला मुझे और ये जो प्रपोर्शन और बॉडी प्रपोर्शन और बाकी सब बहुत हारमोन्स तक के काम किया गया है और सिमिट्री ऑफ द फेस उसके बारे में तो उन्होंने छोटे बच्चों को लेकर एक्सपेरिमेंट किए हैं कि, कि किसके पास छोटे बच्चे जल्दी जाते तो जिसके फेस में सिमेट्री ज़्यादा है उस उसके पास जल्दी जाते हैं ऐसा रिसर्च है अब जिसके पास नहीं जाते उन्होंने बहुत दुख करने का जरूरत नहीं है मैं ऐसा भी कहता हूं कि बच्चों को शायद सिमेट्री देरी से समझ में आती होगी <laughs> ये भी एक रीज़न हो सकता है उसमें सो आई थिंक दैक्सट स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट इसने कहा है कि ये कली का पुराण में का रेफरेंस है कि ये गंध से क्या क्या मिलता है ये कॉस्मेटिक्स परफ्यूम है जिसे गंधे न लबते कामान गंधो धर्म प्रदस्ता सदा अर्थान साधको गंधा गंधे मोक्ष प्रतिष्ठिता थ्रू गंध वन कैन फुलफिल ऑल इज डिजायर इट इज ऑल्सो कॉज ऑफ धर्म इट गिव्स मनी

हमको मालूम नहीं उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है तो उस जमाने में भी मालूम नहीं रहती थी इसलिए वो कहता है एक रुपए की चीज़ सौ रुपए में बिकती है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वेरी मैंने जैसे कहा था कि वो सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं है मोक्ष प्राप्ति के लिए भी है ऐसे ऐसा uh, ऐसा इंडियन थॉट प्रोसेस कहती है तो इसलिए uh, हम सब इस इस चीज़ को बड़े ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखना चाहिए ऐसा मैं बार बार विद्यार्थियों को विनती करते रहता हूँ और इसी प्रकार भारतीय शास्त्रों को देखना चाहिए ऐसा मुझे लगता है बहुत बहुत धन्यवाद और मैंने मेरी ओर से इसको सरल करने की कोशिश की और जो कॉम्प्लिकेटेड था उसको छोड़ दिया इसके लिए मुझे भी धन्यवाद <laughs> नमस्कार Thank you so much, sir, for such, uh, for such a uh, knowledgeable presentation. And uh, any question from the audience side? I would like to request uh, Dr. Ramnathan sir for felicitate our honorable speaker of this session. Now, moving on to invite our next speaker for this session, who is a renowned lady entrepreneur and social worker. She is the proprietor of Puja Borneo Industries. She has eminent participation in various seminars on perfumery and has been a part of several substantial events and workshops for environment and nature and she is none other than shrimati vina agnihotri ma'am we are honored to have you with us so without any further delay i would like to invite ma'am to hear from her ऑडिबल है देखिए मेरी आवाज आवाज आ रही है ना ओके ठीक है नमस्कार जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज जो हमारा का टॉपिक है गंध गंध या सुगंध गंध वो जिसे हम अपने नाक से महसूस कर सकते हैं लेकिन हर गंध सुगंध नहीं होती तो सुगंध परफ्यूमरी और इत्र से जुड़ा हुआ एक एक बहुत बड़ा इतिहास है इसका और बड़ी हिस्ट्री है इसकी आज हम उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं इसका इतिहास बहुत पुराना है सबसे पहले जो हमारा मंत्र है महामृत्युंजय महामृत्युंजय का मंत्र जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किया जाता है मैं पहले उसका पाठ करूंगी और उस उसके साथ मैं अपने आगे कलेख को, को बढ़ाती हूँ हाँ अभी अभी आप सुगंध का प्रयोग हो रहा है वो मिल रहा है बहुत एंशियंट टाइम में ये होता था पा लोग लगाते थे <laughs> तो मैं सबसे पहले ध्यान करूंगी बाबा भोलेनाथ की को और शंकर जी को फिर मैं आगे बोलती हूँ सुगंधि यजामहे सुगंधिम उर्वाधु में बंधना मृत्यु मोक्षो तो देखिए श्लोक में सबसे पहले सुगंधिम पुष्टि वर्धनम माने सुगंधि से हमारा जो शरीर है उसके द्वारा पुष्टि पुष्टि माने होता पुष्ट होना तो सुगंधी का कितना प्रयोग है इस महामृत्यु जय मंत्र में इसका प्रयोग किया है इसका मतलब है सुगंधी हमारे शरीर पे हमारे अंदर बहुत ही एक अच्छा प्रभाव डालती है तो अब हम 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 देख रहे हैं सबसे पहले वैदिक काल में कैसे सुगंधि का प्रयोग हुआ मैं इतिहास लेके चलूंगी शुरू से लेके अभी तक में तो सबसे पहले गंध जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसे हम वास भी कहते हैं और सुगंधी की चर्चा हमारे भारतीय इतिहास में भरी पड़ी हुई है और ये साठ हजार वर्ष पुरानी है जिसमें हमें सारे हमको काफी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां सुगंधों का प्रयोग होता है तो चरक संहिता में अमृतादि तेल कुमारक तेल मध्यपद मद, तेल आदि अनेक तेलों की चर्चा है और इसको बनाने के लिए चंदन उसीर, उसीर आप जानते होंगे एक खस होती है जो उसकी उसकी जड़ होती है खस का प्रयोग हम कूलर के उसमें लगाया जाता है केसर तगर मजिस्ट अग्रु आदि सुगंधित वस्तुओं को प्रयोग करने के लिए किया जाता था तो वैदिक काल में बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें जो ये आप देख रहे हैं इसमें काफी कुछ वर्णन अभी हमारे पहले जो वक्ता हैं उन्होंने किया है कि वासन और उनकी जो प्रक्रियाएं होती थी सुगंध की उसके बारे में किया हुआ था मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए करती हूं जिन जिन विषय को हम लोगों ने छुआ नहीं है मैं उसके बारे में ज्यादा बात करती हूं वराह मिहिर की बृहत्संहिता में जो इसी काल की रचना है गंधयुक्त का एक प्रकरण मिलता है इसी प्रकार अग्नि पुराण के दो सौ हाँ, चौबीसवें अध्याय में गंध की चर्चा की गई है और इसमें सुगंध को तैयार करने की आठ प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है जिसमें हम कहते हैं ना जिसका लिखा हुआ कि शोधन आचमन विरेचन भावन और पाक बोधन धूपन और वासन तो ये आठ मुख्य प्रक्रियाएं हैं जिसका पुराण में वर्णन किया गया था इसके अलावा पुराण में ऐसी इक्कीस वस्तुओं का नाम लिया गया था जो कि सुगंधि के प्रयोग में या सुगंधित तेल बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती थी तो गंध शास्त्र देवताओं के सोडोपचार आप बोलते हैं ना सोडो सोडोपचार जो होती है उसमें एक आवश्यक उपचार माना जाता है जब भी हम कभी देव पूजन करते हैं और हम उसमें देव पूजन की प्रक्रिया होती है तो उसमें अगरबत्ती जलाना सुगंध को चढ़ाना ये एक एक प्रक्रिया है जो कि वैदिक काल से चलती आ रही है तो और इसके साथ साथ सुगंध बनाने की जो कला है ये भी हमारे वैदिक काल में काफी विकसित थी इसके बहुत अनेक ग्रंथ हैं जिनका हमें वर्णन मिलता है बारहवीं सदी में सोमेश्वर में मानसोल्लास की रचना थी जिसमें गंधभोग जिसमें तिल को केतकी का फूल बोलते हैं केतकी पुत, पुत्रांग और चंपा के फूल से मिला के सुवासित करने का सबसे पहले नाम आया है जिसे हम गंधभोग तेल निकाला करते थे तो उसका नाम गंधो के रूप में सबसे पहले ये आया इसको से बनने वाले उपटन भी इससे तैयार होते थे और इसी विधि से सुगंधित जल को भी तैयार किया जाता था तो तेरहवीं शताब्दी में भी रस रत्नाकर नामक ग्रंथ में गंधवाद का प्रकरण आया है जिसमें सुगंधि को करने की विस्तृत चर्चा है जो ये हम वैदिक काल में देखते हैं इसी तरह सिंधु घाटी की सभ्यता में भी हमने देखा है जो कि वैदिक काल के समकालीन काल है तो उसमें भी परफ्यूम का इस्तेमाल या इत्र के इस्तेमाल के काफी ऐसे बर्तन ऐसे सामान प्राप्त हुए हैं जिसमें इस सिंधु घाटी की सभ्यता में भी हमारे परफ्यूमरे का इस्तेमाल किया जाता था परफ्यूम एक या इत्र एक शब्द है जिसको हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इत्र तो इत्र जो है इसका एक बहुत अच्छा सा इतिहास है आप जानते हैं इत्र मुगल काल में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था तो किसी को पता है कि इत्र का आविष्कार कैसे हुआ तो एक बहुत ही मनोरंजक है ये मुगल काल में जहांगीर जो राजा थे उनकी बेगम थी नूर जहां तो आप जानते होंगे कि मुसलमान जो रानियां उन लोगों की जो स्नान करती थी हमाम तो उसमें वो फूल का कुंड होता था गुलाब का उसमें गुलाब की मौसम थी और उसमें वो स्नान कर रही थी स्नान करते करते तैरते तैरते गुलाब के फूल के कुछ बूंदे तेल की इधर उधर इकट्ठी हो गई जब एकत्रित हो गई तो उसका ध्यान गया नूर जहां का कि ये कैसा पदार्थ तेल तैल रहा है उसने फिर अपने अधिकारियों को बुलाया और उन छोटे तेलिए पदार्थों को एकत्रित किया एकत्रित करके उसको एक जगह रख दिया और रोज उसको महकती रही देखा कि चार पांच दिन बीत गए और उनकी सुगंध वैसी थी तो वो गुलाब का रूह उसको बोलते हैं और फिर उसने इस प्रक्रिया को मुगल काल में उसने बोला कि नहीं नहीं ये तो गुलाब से निकाला जा सकता है और ये प्रक्रिया वहां से उत्तर बनाने की चालू हुई और वो आगे हम लोग देखते रहते तो इसके बाद ये आप हम देखते होंगे कि देखिए हड़प्पा में और बाकी जो हमारे पुराने वैदिक समय में इस तरह के बर्तन है देखिए वो मिस्र के समय में एक खास बर्तन आपको दिख रहा होगा जो वैदिक काल में हमारे पात्र है ये इस बात के प्रतीक हैं कि हमारा वैदिक काल में या मोहन जोध हड़प्पा के काल में भी इनका प्रयोग हो रहा था इसके अलावा हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा है मिस्र में जो मिस्र है मिस्र में और रोम में मिस्र में हाँ अभी आ गया ये ये तो अभी नूर जहाँ के बारे में है आया है ये नूर जहाँ की कहानी जो मैंने बताई थी ये स्लाइड आया ये मैं बोलूँगी बढ़ाना तो साथ में बढ़ा देना अब ये हम लोग रोम रोम के इत्र के इतिहास में पहुंच गए रोम में देखिए हमेशा इत्र का प्रयोग होता था और जो कि जो इत्र के पात्र हैं वो रोम में बहुत ही खूबसूरत बनाए हुए पत्थरों के पात्र और सबसे बात जो जो इत्र की जो शीशियां थी रंगीन शीशियां थी वो भी मिस्र में और रोम में सबसे पहले पाई गई है जो हमारा इत्र का इतिहास है उसमें सबसे पहले वहीं पाई गई है तो अब हम लोग इत्र के इतिहास में देखा जाए तो चमेली का जो इत्र होता है वो हैदराबाद के निजाम को बहुत पसंद था और मुगल काल में सबसे ज्यादा इत्र का उपयोग हुआ और इत्र का विकास हुआ उसके पहले वो सुगंधी थी और गंध के रूप में उपयोग होता था जो वैदिक काल में हम लोग करते आ रहे हैं अब आया हम लोग यही जो है सुगंध और फिर इत्र फिर ये आगे बढ़ते हुए आधुनिक काल में परफ्यूम के रूप में हम लोग जानने लगे आज के बच्चे लोग सुगंध और इत्र को महक लगाया तो जिसे हम परफ्यूमरी के नाम से जानते हैं तो पहला परफ्यूम बनाने वाली जो महिला थी वो मेसो की टापुती नामक महिला थी जिसने रसायन तेलों को फूल के साथ मिला के परफ्यूम बनाया तो परफ्यूम बनाने की प्रक्रिया में जो फूल का था उसके साथ उसने कुछ रसायन को भी मिलाया और मिला के जब बनाया तो उसके, उसी के बाद से ये परफ्यूम इंडस्ट्री के रूप में हमारे सामने पहुंच गया अब परफ्यूम इंडस्ट्री में जब ये आगे बढ़े तो सबसे ज्यादा नाम एक आता है भारत के बाद है वो है फ्रांस और फ्रांस में इसके काफी ज्यादा इसका प्रयोग हुआ है और वहां पर भपका जो बहुत पुराने यंत्र हैं फ्रांस में वो हमको बहुत प्राप्त होते हैं आप देख रहे होंगे तो इसमें फ्रांस में क्या था कि लेवेंडर का फूल जो कि इंडिया में नहीं होता है या कहीं और नहीं होता वो खाली वहीं होता है तो लेवेंडर का जो परफ्यूम है वो हमको मुख्य रूप में फ्रांस में ही मिलता है और हम वहाँ पे इसके संयंत्र थे भाप पे पकाना देखिए पुराने तरीके से इसके तांबे के बर्तन थे और उसमें उस तरह से कुता था और धीरे-धीरे फ्रांस जो है ये विश्व के इतिहास में अपने परफ्यूम को बनाने के लिए विख्यात है दूसरा भारत है और एक फ्रांस है ये दो हमारे जो देश हैं ये इस रूप में खास रूप में जाने जाते हैं अब हम आते हैं कि इत्र को बनाने के लिए हमारा जो भारत है उसको हम लोग कन्नौज के रूप में जानते हैं तो कन्नौज में हमारे इत्र का जो व्यवसाय है बहुत पुराना है और वहां से इत्र का व्यवसाय शुरू होता है और वहां पे पुराने जो है इसके बारे में भी जो जानकारी है अभी हम मैं आपको देखूंगी कि यहाँ एक पात्र बना हुआ है इस भबके से प्रयोग होता था ये अभी मेरी इसके बाद इसका डेमोन्स्ट्रेशन में कराऊंगी तो कन्नौज के बारे में जो ज्यादा भी इतिहास जो होगा ये ये बताएंगी अब मैं उसके आगे तुमको ये बताना चाहती हूँ कि जो परफ्यूम है परफ्यूम को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं प्रेजेंट टाइम में मैं खास कर ये बता रही हूँ कि परफ्यूम की जो कि इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम इसको जैसे यूडी परफ्यूम होते हैं तो यूडी परफ्यूम जो उसको कहा जाता है कि इसमें फ्रेग्रेंस फिफ्टीन टू ट्वेंटी होती है मेन जो फ्रेग्रेंस होती है और बाकी उसमें बेसिक चीजों को मिला के उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है तो जो भी यूडी परफ्यूम हम जानते हैं उसमें टू जो है हम मिलाएंगे तो वो यूडी परफ्यूम होगा जिसको हम यूडी कोलियन के नाम से जानते हैं आजकल सारे बच्चे इस्तेमाल करते क्या आप लोग करते हैं ना हाँ हाँ तो इसीलिए मैंने कहा कि ये तुम्हारे टॉपिक का विषय है क्योंकि बच्चे ज्यादा है तो मैंने इसीलिए वैदिक काल को थोड़ा घटा दिया क्योंकि काफी उस उसमें चर्चा हो चुकी थी तो ये इस इसके लास्टिंग फाइव अधिकतम पांच घंटे तक होती है जब हम यूडी परफ्यूम लगाते हैं तो लास्टिंग पांच उसके बाद यूडी टॉयलेट होता है जिसमें हम लोग टॉयलेट वगैरह में यूज करते हैं ये फाइव परसेंट से ट्वेंटी फाइव परसेंट तक इसमें डाला जाता है और इसकी भी लास्टिंग दो से तीन घंटे रहती है अच्छा इसमें जो यूडिकोल के और भी जो दो तीन जिसमें ज्यादा खाली यूडी यूडिकोल होता है उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग इसमें टू से फोर परसेंट होता है जो मेन हम गर्मियों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना उसमें परफ्यूम खाली टू से फोर परसेंट होता है और बाकी मतलब उसमें कॉलोनी मिला होता है तो उसमें इस तरह से तुम लोग जान सकते हो कि परफ्यूम का जो क्वांटिटी होती है वो आज के परफ्यूम में किस तरह की होती है और उसकी लास्टिंग कितनी रहती है तो परफ्यूम में यूडी परफ्यूम को और परफ्यूम को एक नहीं माना जा सकता है जो परफ्यूम हम जब पार्टीज में जो जाके लगाते हैं उसमें परफ्यूम की मात्रा ज्यादा होती है और डायल्यूट भी कम होता है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है ताकि वो दूर दूर तक फ्लेवर में जाए और जो कोलोन में यूडी कोलोन में हम लोग यूज करते हैं उसमें काफी माइनर बहुत पतला थोड़ा सा उसका इस्तेमाल रहता है बाहर काफी काफ़ी कम होता है और अब हम आते हैं कि जो फूल में जैसे गेंदे का जो फूल है किसी को नहीं पता होगा कि गेंदे का जो फूल है वो भी एक बहुत बड़ा परफ्यूम का सोत्र है जो आजकल उसका बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है क्योंकि वो कीटनाशक है और कीटनाशक है इसको समझने के लिए हम लोग अगर वैदिक काल में चले जाएंगे तो हमारे घर के आगे वंदनवार बनती थी और गेंदे की माला और आम के पत्तों में आम के पत्ते में भी ऐसे भी फ्रेग्रेंस बनाया जा रहा है आजकल नेचुरल फ्रेग्रेंस में आम का पत्ता और गेंदा है इन दोनों के अंदर एक ऐसा एजेंट है कि फ्रेग्रेंस के साथ ये कीटनाशक भी होते हैं तो ये इस इस, इस गुण के कारण इसका प्रयोग हो, हो रहा है तो आजकल बहुत सारे ऐसे स्प्रे बनाए जा रहे हैं जिसमें हम लोग गेंदे के फूल का से निकल निकला हुआ ऑब्स्ट्रेक्ट यूज करते हैं और ये जैसे हमने कहा कि पत्तों से निकाला हुआ जिसमें से गुलाब का फूल सबसे टॉप में है जैसे कहा जाता है ना गुलाब फूलों का राजा है और गुलाब से निकाला हुआ इत्र भी बहुत महंगा होता है तो कोई गेस कर सकता है कि इत्र कितना महंगा होगा कि हाउ मैंने कितना किलो होगा पहले बताओ बच्चों गैस कर सकते हो कि इस समय इत्र की कीमत कितनी होगी <laughs> नहीं नहीं इस समय जो नेचुरल इत्र होता है उसकी कीमत दो तीन लाख से ज्यादा ही होगी क्या लोरी मैं सही बोल रही हूँ इसको इस समय दो तीन लाख से ऊपर होगा सब लोग सोचेंगे अरे दो तीन लाख रुपए ये क्या आई बहुत बड़ी कॉस्टिंग हुई है तो दो तीन लाख है इसको हमारे जो तुमने भी बीच में देखा होगा कि कुप्पीज आई थी हमारे पीछे आप देख रहे होंगे की बहुत सारे चित्र हैं जिनमें हम मैंने लगाया हुआ है परफ्यूमरी में तो उसमें चमड़े की कुप्पी होती है उसमें उसको रखा जाता था और उसका बेस होता है संदल ऑयल तो जो इत्र जो होता है वो संदल ऑयल पे होता है नेचुरल और जो रूह होता है उसमें संदल भी नहीं मिलता है वो तो बहुत ही महंगा है रूह गुलाब इसमें बन नहीं रहा है जिसको बोलते हैं कि इत्र का रूह होता है और जो नेचुरल है जिसको नेचुरल गुलाब बोलते हैं वो संदल ऑयल के बेस में डाल के फिर उसको वेपोरेशन किया जाता है उससे किया जाता है वो प्रक्रिया हम लोग बाद में देखेंगे और उसको समझेंगे कि क्या होता है लेकिन इसीलिए आजकल इत्र का प्रयोग दो कारणों से कम हो गया है कि वो कॉस्टली बहुत है या फिर या उसमें ब्लेंडिंग की जाती है बहुत तरह की चीजों को मिलाया जाता है ये होता है तो परफ्यूमरी में जो हम लोग यूज करते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम बताते हैं जैसे कि उसमें एक होता है एसेंशियल ऑयल एसेंशियल ऑयल एक ऐसे मतलब नाम से ही समझ रहे हो एसेंस है और वो नेचुरल ऑयल है तो उसके बाद सिंथेटिक एसेंशियल ऑयल दैट मीन्स ये परफ्यूम है इसमें सिंथेटिक भी मिला है और एसेंशियल ऑयल भी मिला हुआ है ये चीज होती है इसके बाद तीसरा पार्ट आता है कि जो ओनली सिंथेटिक तो उसमें खाली केमिकल मिले होते हैं और केमिकल से मिला के बनता है तो इस तरह से ये तीन हो गई है जिसमें के मतलब नेचुरल होती है नेचुरल और वो दोनों मिला होता है और तीसरा ग्रेड होता है कि ये होता है अब इस इसके सबसे बड़ी बात क्या हो कि इनके साथ ही हमारी जो यूज होता है आजकल एक एरोमा आप सबने जाना होगा कि इस समय एक थेरेपी है एरोमा थेरेपी एरोमा थेरेपी पूरी तरह से परफ्यूमरी के ऊपर बेस्ड होती है और परफ्यूमरी के नेचुरल ऑयल का यूज होता है और जो कि हमारे बॉडी पे और माइंड पे अलग तरह का इफेक्ट डालते हैं तो जिसको बोलते हैं ना मुगल काल में जो राजा अकबर थे उनके यहाँ एक परफ्यूमरी का बहुत बड़ा विभाग था और वहां पे उस समय भी वो मूड को स्विंग करने के हिसाब से उसको यूज करते थे यहाँ तक कि अपने कर्मचारियों में भी उसका प्रयोग करते थे कि अगर शांति इनको रखवाना है या ये इस विभाग का आदमी है तो वो ये ये इत्र ये लगाएगा इस विभाग का आदमी है तो ये इित्र ये, ये वाला लगाएगा इस विभाग का है तो किस तरह लगाएंगे इसी तरह जो अरोमा थेरेपी है वो उसमें जो भी हम लोग यूज करते हैं परफ्यूमरी वो नेचुरल हमारे स्किन में कोई इफेक्ट न डाले और हर तरह के जो फूल होते हैं उनका प्रयोग होता है इसमें जो चमेली का फूल मैं एक चमेली के फूल के बारे में बताना चाहूंगी तो जो चमेली का जो फूल होता है वो हमको नींद लाने में बहुत हेल्पफुल होता है जब हम लोग सोने को चलते हैं और अगर कमरे में आप लोग देखेंगे कि आजकल एक एरोमा लैम्प होता है एरोमा लैम्प भी लोग जो लगाते हैं तो ये भी एक थेरेपी है कि एरोमा लैम्प लगा लिया आपने और उसकी जो स्मेल है वो धीरे धीरे आपको नींद की तरफ ले जाएगी तो उसमें चमेली का फूल भी है इसी तरह एक लेमन ग्रास ऑयल होता है लेमन ग्रास है जो कि आजकल उस उसको मतलब आप लेमन टी में भी डाल के पीते हैं और उसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत तरह के कीटनाशक में यूज होता है और एरोमा लैम्प में भी आप अगर लेमन ग्रास का यूज लेंगे तो लेमन ग्रास का काफी अच्छा प्रयोग हो जाएगा इसके बाद हमारा एक तरह से आता है कि कुछ ऐसे जेरेनियम ऑयल आप जानते होंगे रोज का रोज की तरह उसकी महक होती है जेरेनियम का फ्लावर होता है उसको रोजी की तरह हम लोग यूज करते हैं और उसका रोज में लगाते हैं और ट्रीटमेंट में भी यूज होता है परफ्यूमरी का आजकल क्या होता है कि देखिए नया जो परफ्यूमरी प्लांट है उसको क्या बोलते हैं ये पुराना प्लांट है उसको फ्रैक्सनेशन कॉलम बोलते हैं तो जो फ्रैक्सनेशन कॉलम होते हैं उसमें एक परफ्यूम या दो दो तीन तरह के फूलों को हम लोग डालते हैं और अलग अलग चैम्बर में अलग अलग तरह के परफ्यूम की क्वालिटी जमा होती है क्योंकि जो तुम लोग खासकर केमिस्ट्री के स्टूडेंट है वो जानते हो ना फ्रैक्सीनेशन कैसे होता है तो फ्रैक्सीनेशन में अलग अलग चैम्बर में अलग अलग एजेंट एक फूल से हम एक फूल जैसे गुलाब का फूल डालते हैं तो उसके दस अलग अलग केमिकल्स निकाल सकते हैं जो अलग अलग कुछ मेडिसिन में यूज में आएगा कोई फूड में यूज में आएगा इसी तरह एक तुम लोग एक शब्द सुना होगा फ्लेवर फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर तो फ्रेग्रेंस जो होता है वो जो बॉडी में यूज करते हैं और जो फ्लेवर होता है वो कहाँ यूज होता है जिसका टंग टेस्ट होता है जिसको हम खा सकते हैं तो हमारे फूड में बहुत सारे परफ्यूम यूज होते हैं जिनको हम लोग मतलब फ्लेवर की तरह यूज करते हैं और खाते हैं जिनमें से सबसे पहले आप बहुत पुराना तो केसर ही देखिए केसर एक ऐसा है जो एक परफ्यूमरी थी और उसको हम लोग खाने का भी प्रयोग में लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे फूल हैं गुलाब हैं ये हैं जिनका गुलाब जल बनता है उसके साथ गुलकंद बनता है तो वो एरोमेटिक ऐसे प्ला, मतलब प्लांट्स होते हैं जिनका ऑब्स्ट्रेक्ट हम लोग बॉडी में लगाने के साथ खा भी सकते हैं इटेबुल होता है वही फ्लेवर आएगा जो इसी तरह हम तो इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं और जैसे कि बीमारियों में भी होता है सभी को मालूम है कि गुलाब जल अगर आंख में आप डालते हैं आंख के जो भी नेत्र की ज्योति है प्रॉब्लम होती है इसी तरह एक इसी तरह जो बेला होता है ना उसको मोतिया बोलते हैं उसका जो इत्र होता है कान में जिनको भी प्रॉब्लम होती पहले आदि काल में ही होता था कि कान में कोई भी इंफेक्शन होता था तो मोतिया का जो इत्र होता था वो कान में डाल देते उसके अंदर इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक क्वालिटी होती थी कि वो उसमें उसकी थेरेपी में हमको हेल्प करता था और हम लोग उसका यूज करते थे अभी हम सुगंध में सबसे बड़ी बात यह है कि जो आजकल जो है परफ्यूमरी की इंडस्ट्री की बात हो रही थी कि अगर कोई इसके इंडस्ट्री में आना चाहता है तो एक इस, इस इंडस्ट्री में आने के लिए भी इसमें स्मॉल स्केल से भी हम लोग काम शुरू कर सकते हैं और बिग स्केल के से भी जाते हैं तो अगर जैसे स्मॉल स्केल में किसी को इस फील्ड में आना हो इस इंडस्ट्री में आना हो तो सबसे पहले कि अब उसमें क्या होता है कि इसमें वो आप मेन फ्रैक्शनेशन कॉलम ये सब नहीं करेंगे लेकिन जो बेसिक रॉ मटेरियल होते हैं और उनको अलग अलग बेस के साथ कैसे मिलाया जाता है उनको आप एकत्रित कर सकते हैं और आजकल मार्केट में बहुत तरह तरह की सीसी अवेलेबल होती है स्प्रे के लिए होती है कोलोन के लिए होती है सब चीज की शीसी होती है उसमें आपने ब्लेंड करके उसको छोटे स्केल में कर सकते हैं तो परफ्यूमरी के बारे में ये था कि उसको आप अलग अलग से सारे केमिकल्स को इकट्ठा करना होगा और उसमें सस्ते से लेके बहुत महंगे तक चले जाते हैं आजकल ये सबसे बड़ी खूबी क्या है कि केमिकल साइंस का मतलब फायदा ये है कि उसने बहुत ही आ, कम दाम में बहुत सारी ऐसी चीजों को मतलब हम लोगों को उपलब्ध करा दिया है जो हमको कम दाम में मिलते लेकिन उनका बॉडी पे साइड इफेक्ट बहुत होता है अब अब, अब आजकल स्प्रे के लिए बहुत सारा आ, मना कर दिया गया है कि आप स्प्रे ज्यादा है वो ओजोन को में नुकसान पहुंचा रहा है हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा रहा है तो जो पुराने इत्र की परंपरा थी जो नेचुरल एब्स्ट्रैक्ट था उसको हम लोग जब लगाते थे लेपन करते थे तो वो उल्टा हमको नुकसान करने की जगह हमारे स्किन को फायदा पहुंचा था, एक मिनिस्ट्री तक चाहिए कि फिर से मिनिस्ट्री को चाहिए कि इस में कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आए ताकि जो एक पुराना हम लोगों का जो वैदिक काल से चली आ रही परंपरा है इसमें इस, इसका विकास हो सके हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से जान सके और वाणिज्य के रूप में अगर हम आधुनिक परफ्यूमरी पर, को देखेंगे तो इं, इंग्लैंड की जो महारानी थी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका और वो सबसे पहले इसका यूज करती थी कस्तूरी जो है आ, कस्तूरी का भी इस समय देखिए प्रयोग लोग कस्तूरी कस्तूरी सुनते हैं लेकिन आ, लोगों ने शिकार कर करके वो मृगी खत्म कर दिया जिसके अंदर से कस्तूरी निकलती थी तो अब तो मार्केट में कस्तूरी नकली होती है इसलिए है ही नहीं इसी तरह हमारा के पे साधन था उसका केसर का वो भी खत्म होने वाला था। ओके okay. तो अब हम लोग जो है मैं अभी इसको यहीं पे विराम दे रही हूँ कि काफी लंबा इस विषय में हो चुका है और आ, मैं इसके बाद बुलाना चाह रही हूँ हमारी डॉटर इन लॉ है इसका इंट्रोडक्शन मैं ये कराना चाहूंगी की ये थर्ड जनरेशन से इनके यहाँ इत्र का व्यवसाय हो रहा है ये बचपन से जब भी ग्रो किए तो उसने देखा है तो आज ये यहाँ पे जो ये पॉट है वेलकम करो आज ये जो पॉट बना हुआ है ये इस इस इसमें पहले कैसे कन्नौज में कैसे इत्र बनता था इसका मॉडल भी वो बना के लाई है वो अभी डिमोस्ट्रेट करेगी और बताएगी कि कैसे ये पांच छोटा सा पांच मिनट का है ठीक ओके आओ नमस्कार मैं श्वेता अग्निहोत्री भारत की इत्र नगरी कन्नौज को रिप्रेजेंट कन्नौज से बिलोंग करती हूँ तीन जनरेशन से मेरे दादाजी मेरे पिताजी और, और मेरी जनरेशन जो वहाँ पे है वो इसी पर इसी भी उद्योग दो, में लगी है अभी आप दोनों वक्ताओं को अपने सुन रहे थे चूंकि मैं कन्नौज से हूं तो मुझे आपको बताना ये मेरा दायित्व तो बनता है परफ्यूमरी और इत्र दो नाम बराबर आप लोग सुन रहे होंगे दोनों में डिफरेंस है और बहुत बड़ा डिफरेंस है इत्र और परफ्यूम इत्र को आप शरीर पे डायरेक्ट लगा सकते हैं परफ्यूम को आपको कपड़ों पे लगाना होगा क्योंकि वो सिंथेटिक होता है और इत्र जो होता है वो नेचुरल बेस्ड ऑयल पे होता है उसको आप बॉडी पे लगा सकते हैं तो दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इसीलिए इत्र हमेशा महंगा होता है और परफ्यूम आपको सस्ते रेट में भी मिल जाता है हमारे कन्नौज में आज भी पुराने तरीके से राजा हर्षवर्धन के समय से इत्र बनाया जा रहा है इसके प्रत्यक्ष प्रमाण वहां उपलब्ध है म्यूजियम में और ये पुराना ऑथेंटिक तरीका है इसी से आज भी हमारे यहाँ बनाया जाता है इसमें दो अपरेटस यूज होते हैं एक है भप डेक जो बड़ा वाला है इसको हम डेक कहते हैं छोटा वाला जो है इसको भपका कहते हैं और इन दोनों को कनेक्ट करता है इसको आप यहाँ अपने लैंग्वेज में हम लोग पाइप कह सकते हैं बट हमारी कन्नौज के लैंग्वेज में इसको चोंगा बोलते हैं और ये जो बड़ा वाला एपरेटस है वो भट्टी पे रखा हुआ है इसके नीचे आग जलती है और इस बड़े एपरेटस में हम फ्लावर भरते हैं जिसका हमें इत्र निकालना होता है और छोटे वाले में हम संदल भरते हैं चंदन का तेल चंदन तेल की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो किसी भी अगर महक उसमें दम जिसको दम जिसको देना कहते हैं आप दम बिरयानी सुनते होंगे तो उसमें स्मेल ही तो चावल में बसाई जाती है तो हम दम लगाते हैं संदल के तेल में जिस भी फ्लावर की हमको फ्रेग्रेंस चाहिए होती है संदल का तेल अपनी फ्रेग्रेंस छोड़ के उस फ्लावर की फ्रेग्रेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है तो जो डेग है उसमें हमने फ्लावर और पानी डाला उसको बॉइल किया जो भाप निकली वो इस के इस पाइप के में इसको हम बोलते हैं कलेक्टर को इसमें जो है इकट्ठा होती है और वही उसी से हम अपना इत्र निकालते हैं अब बेसिक एक शॉर्ट में बता देना चाहूंगी इत्र में तीन तरह से होता है इसमें एक हम गुलाब जल केवड़ा जल ये बनाते हैं दूसरा हो गया इत्र और तीसरा हो गया रूह तो जो जल होता है वो सीधे भाप जो आ रही है उसको इसमें इकट्ठा किया ये पानी में रखा रहता है तो भाप जब ठंडी होती तो पानी में बदल जाती है और वो जो पानी हमारा इकट्ठा होता है जो भाप के द्वारा आया है उसमें गुलाब की महक आती है वो गुलाब जल हुआ दूसरा हो गया इत्र इत्र के समय हम इसमें संदल का ऑयल भरते हैं चंदन का तेल भरते हैं और उसमें हम दूसरे फूल के दम लगाते हैं तो दम लगाने से वो महंगा इसलिए हो जाता है कि वो हमारे यहाँ किलो के हिसाब से डिपेंड होता है कि हमने 40 किलो का दम लगाया है 50 किलो का लगाया है अलग अलग आपको एक संदल एक गुलाब का अतर लेने जाइए वो चार रेट में मिलता है क्योंकि वो के जी पे डिपेंड करता है हमने कितने गुलाब के फूलों का दम उसमें लगाया है इसलिए रेट उसका वे, वेरी करता है अलग अलग दम के हिसाब से अब एक तीसरा आ जाता है रूप जिसको मैम ने बताया कि जो हमारी बेगम थी उस मुगल काल की उन्होंने जो देखा तैरता हुआ एक्चुअली क्या होता है जब गुलाब जल बन के आ रहा है भाप के थ्रू पानी आ रहा है उसके साथ कुछ बूंदे गुलाब की जो गुलाब का ओरिजिनल ऑयल है वो भी आ जाता है तो जब हम उसको रखते हैं तो नीचे तो गुलाब जल रहता है ऊपर तैरता रहता है उसको कहते हैं रू तो एक मिनट यहाँ आओ इसको ना ये बताओ कैसे फूल डालते हैं और कैसे होता हाँ? होता हाँ? बस, बस हाँ है। तो वो जो रूह है वो आपको हमें बेसिक बता दे महंगी क्यों होती है चालीस किलो जब इसमें गुलाब का फूल पड़ता है है तो समझिए ग्राम समझिएूह निकलती है ग्राम ऑयल उसमें से निकलता है तो कॉस्ट इसीलिए वेरी करती है चंदन का तेल खुद भी अपने आप में बहुत महंगा है ढाई से तीन लाख रुपए किलो मिलता है जो हमारा बेसिक मटेरियल है आजकल एलपी भी उसकी जगह यूज होने लगा है लिपिड पैराफिन तो वो एल यूज करते लेकिन बेसिक चंदन ही रहता था अब आप इसमें जब फूलों के फूल का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है तो उसका जब दम लगता है तो जो रूह होती है उसका कॉस्ट ने तो स्टार्टिंग रेट बताई थी मैं आपको बताऊं गुलाब की जो रूह है, है।, है।, है, है जिसको कि अभी हमारे वैद्य जी ने कहा कि एक की चीज दो सौ में मिलती है और सौ की चीज तीन सौ में मिलती है तो वो कारण यही है कि जब हमारे पास बेसिक रॉ मटेरियल हमको सस्ता नहीं मिलेगा तो हमारे यहाँ कॉस्ट बढ़ेगी उसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं या हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं अब हमें जो उसकी कॉस्ट आम जनता तक पहुंचे अतर हमारा उसके लिए करना होगा कि हम अपनी भाषा में तो बोलेंगे हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिले तो हम सस्ता अतर देंगे लेकिन उसके लिए बेसिकली डिपेंड करता है इस पर रिसर्च होनी चाहिए रिसर्च किस चीज की होनी चाहिए इस चीज ये बायो केमिकल जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी रिसर्च हो ताकि हम फूलों से इत्र या ऑयल ज्यादा से ज्यादा कितना निकाल सके और दूसरी चीज कि इसका सब चंदन का सब्सिट्यूट ऑयल कौन सा हो जाए दूसरी एक और चीज है बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी 80 के दश 80 के दशक में ऑस्ट्रेलिया ने हमारे यहाँ से वो, सैंडलवुड मंगाई उसका प्लांटेशन किया और उसके बाद 2000 के करीब उन्होंने उसको जो चंदन का तेल हमारे यहाँ चालीस चालीस साल में बड़ा होकर परिपक्व होता है उन्होंने उसकी बायोटेक्नोलॉजी से उसको 20 साल में परिपक्व किया मतलब आधा जीवन हो गया 20 साल में जो पेड़ परिपक्व हुआ उसकी कॉस्ट भी गिर गई तो हमारी बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे रिसर्च होने चाहिए कि कैसे हम उसकी क्वालिटी इत्र उसमें उसका इत्र बढ़ा सकते ऑयल बढ़ा सकते हैं या हम कैसे उसकी लाइफ को जल्दी मेच्योर कर सकते क्योंकि चंदन का तेल पूरा होने में एक 40 साल लगता है। तो, आ, ये, ये, ना ना, ना है तो थैंक यू। इसको पे। ये 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 देखो अभी जो बस वहाइटिंग उठाओ ये देखिए अब ये जो है ये भपका है इसको थोड़ा ऊंचा उठाइए इसमें ये जो पॉट है इसमें सारे गुलाब के फूल डाले जाते हैं और नीचे वाले में संदल का ऑयल रहता है इसके इंदर। इसके अंदर अंदर का ऑयल होता है हाँ वो और ये पानी में रहता है और यहाँ से यहाँ से ये जो है वेपरेशन होके जाएगा और वेपरेशन होके उस संदल ऑयल के ऊपर जाके मिलेगा और वहां पे जो तब जाके ये गुलाब का इत्र बनता है और देखिए इसमें यहाँ से उसको भी बनाया यहाँ से ये हिट किया जाता है यहाँ से ये खोलता रहता है फिर भाप होती है संदल ऑयल के ऊपर बनता है तो ये इस, इसको हम लोगों हाँ. ने देखा थैंक यू थैंक यू हाँ बिल्कुल हाँ नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं देखिए जिन 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 शहरों में जिन शहरों में जैसे कि बात हो रही है ना कि जिन शहरों में आ, इसके प्लांट लगे हुए हैं जिन शहरों में इसका उपयोग हो रहा है क्योंकि भवका बना के उपयोग करना अभी हमारे यहाँ नहीं होता है बनारस में ऐसे हम हम कुछ लोग को जानते हैं एक चीज मैं बता दूं जो मैं छूट गई इस एक मिनट में बता दूं कि एक इत्र होता है हिना क्योंकि मैंने बहुत सा पार्ट काट दिया हिना बोलते हैं जिसमें छब्बीस मसाले डाले जाते हैं है वो ड्राई मसाले होते हैं और छब्बीस मसाले डालते हैं और वो हिना इतर की बात यह है कि जब हम बॉडी में लगाते हैं तो जाड़े के दिनों में हमको वो गर्मी प्रदान करता है बॉडी हीट हो जाती है तो वैसे जो है उसका प्रयोग उसका प्लांट यहाँ बनारस में होता है क्योंकि आप ड्राई सामान लाके लगा देंगे ना लेकिन गुलाब के फूल, फूल की जो खेती मंदिरों में होती है उन्हीं जगहों में हो सकती है जहाँ ये प्लांट है अगर इस तरह से कि प्लांट मंदिरों के आसपास लगाए जाएं तो जैसा तुमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है कि फूल का जो वेस्टेज फूल जो फेंके जाते हैं उनका उपयोग हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है लेकिन यही होता है कि अगर उस अब यही बात है ना कि छोटे छोटे ऐसे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट सरकार लगाए जहां पे हम लोग इसको कर सके वही ना है बिल्कुल किया जा सकता है Okay. हमारे कन्नौज में गवर्नमेंट की तरफ से फ्लावर एंड फ्रेग्रेंस डेवलपमेंट सेंटर लगाया गया है जिसके कि निर्देशक शक्ति विजय शुक्ला बनारस को ही बिलोंग करते हैं वो उन्होंने ये जो आप रिसाइकल पूछ रही हैं इसके ऊपर इत्र भी बनाया है और ये पेपर में भी आया था और उन्होंने आप अपने राज्यपाल वगैरह को जाके बकायदा उसको गिफ्ट भी किया है जो मंदिरों का वेस्ट फ्लावर निकलता है उससे बनाया गया है नहीं बनारस से नहीं एक्चुअली वो कन्नौज पे है उन्होंने ये एक टेक्निक डेवलप की है अगर कोई यहाँ प्लांटेशन करना चाहता है इस, प्लांट लगाना चाहता है तो वहां बकायदा इसका इंस्टीट्यूट पे वो फ्लावर फ्रेग्रेंस डेवलपमेंट सेंटर पे सिखाते हैं और उसके उसके बाद कानपुर में बहुत सी यूनिट लगी है इस चीज की नहीं, अगर इससे इस रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है लोगों में तो ये वर्कशॉप लगाई जा सकती है और जो जो यूपी में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर का जो ऑफिस है जिनके बारे में कहा ना कि वो बनारस से बिलोंग करते हैं तो इसमें एक वर्कशॉप हो सकती है और ये प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट तक डाला क्योंकि मंदिर तो यहाँ बहुत है बहुत मंदिर हैं और मंदिरों का वेस्टर्ज लेके अगर एक फूल का प्लांट डाला जा सकता है तो एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा जो कि तुमने क्वेश्चन किया और अगर ये इंटरेस्ट होता है तो ये हम लोग वहां पहुंचा सकते हैं फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर जो है ना एफ में और वो जो शक्ति जी जिन्होंने एक बार इसको वहां पे उठाया वो कन्नौज में किया था आप इसको बनारस में कर सकते हैं अगर तुम इसको तो उठाओ तो पहुंचाओ मिनिस्टर तक है हाँ हम्म तो तो हाँ 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 इस, इसीलिए मैं मैंने इसीलिए वो पोर्सन पे मैं आई थी कि इस समय परफ्यूमरी का जो बोले ना कि वर्ल्ड लेवल पे परफ्यूमरी का बहुत यूज होता है ऐसा कोई नहीं जिसने परफ्यूम का यूज नहीं किया है तो इसका फ्यूचर है फ्यूचर बहुत लार्ज स्केल में है इंडिया में कम से कम हमको जहां तक लग रहा फोर से फाइव कंपनीज है दो तीन हंड्रेड कंपनीज है तो हम ही लोग डील करते हैं जो की कंपनियां हैं जो की परफ्यूमरी में बनाती है और, और रसायन का ही पूरा विभाग है अब ये पूरा परफ्यूम इंडस्ट्री केमिस्ट्री पे हो गया बेस्ट हो गया क्योंकि नेचुरल एसेंशियल ऑयल नहीं है उनकी ब्लेंडिंग की जाती है उसमें हम लोग एसेंशियल ऑयल डालते हैं तो इस, इसकी मतलब इसको लेके एक फ्यूचर है जो कि कर सकते हैं फ्रेक्सनेशन कॉलम डाल के और एक दो नहीं है बहुत सारी चीजें हैं सबसे बड़ी बात होगी कि मॉडर्न टाइम में जो आप हम लोग वैदिक देख रहे थे उसके लिमिटेशन घट गए हैं लाखों तरह की चीज हो गई है जिनका अब्सट्रैक्ट निकाला जा सकता है जो परफ्यूमरी की फिल्म अगर आप एक कॉमल कॉलम लगा लेते हैं तो सीजन वाइज अलग अलग चीजों को बनाते रहेंगे खसका ऑयल बनाएंगे लेमन ग्रास बनाएंगे है इसी तरह वो रोज वाला कौन सा घास होती है बहुत सारी घास होती है जेरेनियम ये सब कर सकते हैं तो फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है मिनिस्ट्री इसको ना आप जो है सर्च करना चाहेंगे तो एफ है ना एफ है यहाँ पे कन्नौज में वो सर गवर्नमेंट की संस्था है अगर बच्चे लोग उस एफ को खोजें और वहां से इंक्वायरी करें काफी कुछ मिल सकता है और हमने ये भी कहा कि ना कि अगर इसको समझना है तो ये दस मिनट के में होने वाला नहीं है एक वर्कशॉप लगाइए और अच्छे से ताकि उसमें कुछ लोग उस फील्ड में जाएं ओके Thank you so much, ma'am. Now, I would like to request Pavan sir to felicitate our uh, honorable speaker. ये भी होने वाला था ना तो आज मैं एक यहाँ पे कॉलम भी लगाऊंगी सर अवेलेबल नहीं कराया और इसने ये पूरा बनाया ये प्लांट है ना पर ये, पर ये भी आगे आपको फिर से बुलाएंगे गई